इस भवन का विचार भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से जुड़ा हुआ है। अनुभव मंडपम प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विमर्शों का केंद्र था। अनुभव मंडपम जन कल्याण की भावनाओं और संकल्पों का ऊर्जा केंद्र था। आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है। जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है, मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले
भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें राम लला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उन माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं अपने कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के, जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं एक बार मेरे मन को काफी विचार चले, मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है। और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहां लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को
उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कैसे संकीर्तन भजन गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का लालित्य भी समझाया और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उसका महत्व भी हमें बताया। इसलिए भक्तों में आज जैसी आस्था भागवत जैसे ग्रंथों के प्रति है, वैसा ही प्रेम चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल के लिए भी है। साथियों, चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर यह देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली, उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की, सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की, 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे। इस भजन से गांधी जी जिस वैष्णव भाव का गान करते थे, श्रील प्रभुपाद स्वामी ने उस भाव को, अहिंसा और प्रेम के उस मानवीय संकल्प को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया। साथियों, मेरा जन्म तो गुजरात में हुआ है, गुजरात की पहचान ही है कि वैष्णव भाव कहीं भी जगे, गुजरात उससे जरूर जुड़ जाता है। खुद भगवान कृष्ण मथुरा में अवतरित होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं का विस्तार देने के लिए वो द्वारिका आते हैं। मीराबाई जैसी महान कृष्ण भक्त राजस्थान में जन्म लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से एकाकार होने वो गुजरात चली आती है। ऐसे कितने ही वैष्णव संत हैं जिनका गुजरात की धरती से, द्वारिका से विशेष नाता रहा है।
गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता, उनकी भी जन्मभूमि है। इसलिए श्री कृष्ण से संबंध चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, ये मेरे लिए जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, में 2016 में गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह में आप सबके बीच आया था। उस समय मैंने आपके बीच भारत की आध्यात्मिक चेतना पर विस्तार से बात की थी। कोई समाज जब अपनी जड़ों से दूर जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, जो हमारी खूबी होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उसे ही लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। भारत की परंपरा में, हमारे जीवन में भक्ति जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां बैठे युवा साथी मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। जब भक्ति की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति, तर्क और आधुनिकता, ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन असल में ईश्वर की भक्ति हमारे ऋषियों का दिया हुआ महान दर्शन है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है भक्ति में। भक्ति वो है जिसे युद्ध के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय में महान योग बताते हैं, जिसकी ताकत से निराश हो चुके अर्जुन अन्याय के खिलाफ अपना गांडी उठा लेते हैं। इसलिए भक्ति पराभव नहीं, प्रभाव का संकल्प है। लेकिन साथियों, ये विजय हमें दूसरों पर नहीं, ये विजय हमें अपने ऊपर हासिल करनी है। हमें युद्ध भी अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भावना से मानवता के लिए लड़ना है। और यही भावना हमारी संस्कृति में, हमारी रगों में रची बसी हुई है। इसलिए भारत कभी सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। जो लोग इतने महान दर्शन से अपरिचित थे, जो उसे समझे नहीं, उनके वैचारिक हमलों ने कहीं न कहीं हमारे मानस को भी प्रभावित किया। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जैसे संतों के ऋणी हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को पुनः सच के दर्शन कराए, उन्हें भक्ति की गौरव भावना से भर दिया। आज आजादी के अमृत काल में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लेकर देश संतों के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, यहां भक्ति मार्ग के इतने विद्वान संतगण बैठे हैं, आप सभी भक्ति मार्ग से भली भांति परिचित हैं। हमारे भक्ति मार्गी संतों का योगदान आजादी के आंदोलन में भक्ति आंदोलन की भूमिका अमूल्य रही है।
भारत के हर चुनौतीपूर्ण कालखंड में कोई न कोई महान संत, आचार्य, ऋषि, मुनि किसी न किसी रूप में राष्ट्र को दिशा देने के लिए सामने आए हैं। आप देखिए मध्यकाल के मुश्किल दौर में जब हार भारत को हताशा दे रही थी, तब भक्ति आंदोलन के संतों ने हमें हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम मंत्र दिया। इन संतों ने हमें सिखाया कि समर्पण केवल परम सत्ता के सामने करना है। सदियों की लूट से देश गरीबी की गहरी खाई में था, तब संतों ने हमें त्याग और तितिक्षा और जीवन जीकर अपने मूल्यों की रक्षा करना सिखाया। हमें फिर से यह आत्मविश्वास से भंगवा कि जब सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया जाता है तो असत्य का अंत होकर ही रहता है। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। इसलिए आजादी के आंदोलन को भी स्वामी विवेकानंद और श्रील स्वामी प्रभुपाद जैसे संतों ने असीम ऊर्जा से भर दिया था। प्रभुपाद स्वामी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महामना मालवीय जैसी हस्तियां उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आती थी। साथियों, बलिदान देकर भी अमर होने रहने का यह आत्मविश्वास हमें भक्ति योग से मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है अमृत स्वरूपाच, अर्थात वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। आज इसी आत्मविश्वास के साथ करोड़ों देशवासी राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा लेकर अमृत काल के में प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृत काल में हमने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हम राष्ट्र को देव मानकर देव से देश का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी ताकत, अपनी विविधता को बनाया है। देश के कोने कोने के सामर्थ्य है, यही हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी चेतना है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्रित हैं, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी इलाके से है, भाषा, बोली, रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन एक साझा चिंतन सबको कितनी सहजता से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित, अर्थात सभी प्राणियों के भीतर उनकी आत्मा के रूप में एक ही ईश्वर रहते हैं। यही विश्वास भारत के अंतर मन में नर से नारायण और जीव से शिव की अवधारणा के रूप में रचा बसा है। इसलिए अनेकता में एकता का भारत का मंत्र इतना सहज है, इतना व्यापक है कि उसमें विभाजन की गुंजाइश ही नहीं है। हम एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं और एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये आध्यात्मिक आस्था है। हमारे सामने खुद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी का जीवन भी एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी पुरी में जन्मे, उन्होंने दक्षिण के रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाया बंगाल में स्थित
स्थापित अपने मठ को। बंगाल की धरती में बात ही कुछ ऐसी है कि वहां से आध्यात्म और बौद्धिकता निरंतर उड़ जा पाती है। ये बंगाल की ही धरती है जिसने हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे संत दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि दिए। इस धरती ने श्री अरविंद और श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी दिए, जिन्होंने संत भाव से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यही से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी मिले। बंगाल चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जैसे उनके अनुयायियों की तो कर्मभूमि रही है। उनके प्रभाव से आज प्रेम और भक्ति के एक वैश्विक मूवमेंट बन गए हैं। साथियों, आज भारत की गति प्रगति की हर तरफ चर्चा हो रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईटेक सेवाओं में भारत विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। कितनी ही फील्ड्स में हम बड़े बड़े देशों से आगे भी निकल रहे हैं। हमें लीडरशिप के रोल में देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही आज भारत का योग भी पूरी दुनिया में घर घर पहुंच रहा है। हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ विश्व का विश्वास और बढ़ता चला जा रहा है। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, तो वो हमारे प्राचीन मंदिर को देखने जाते हैं। इतनी जल्दी ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया है युवा ऊर्जा से। आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों के साथ में लेकर के चलता है। हमारी नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्व से अपने माथे पर धारण करती है। आज का युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप्स दोनों की अहमियत समझता है, दोनों की काबिलियत रखता है। इसलिए हम देख रहे हैं आज काशी हो या अयोध्या, तीर्थ स्थलों में जाने वालों में बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की होती है। भाइयों और बहनों, जब देश की नई पीढ़ी इतनी जागरूक हो,